कर दे सकाई छोरा डाउन टू अर्थ लागे जाम तेरे शहर छोरा बोलता भगत एक आर्मी का फैन एक भोले का भगत ओ फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी ही जंग के मैदान में कदे ना हार दे ओ फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी ही जंग के मैदान में कदे ना हार दे साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी माथे के बचाले मार दे माँ। अरे बेटा आ गया तू? तूने बताया ही नहीं कि तू आने वाला है। माँ सोचा आपको सरप्राइज दूँ। बहुत अच्छा किया। अच्छा तू एक काम कर, बैठ जाके आराम कर, मैं खाना बना रही हूँ, अभी थाली में लगा के लाती हूँ। जी माँ। नमस्ते भैया। अरे छोटे नमस्ते, और बता कैसा है? मैं ठीक हूँ भैया। और बता पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है भैया, अभी कॉलेज से ही आया हूँ मैं। चल ठीक है। आप कब आए? मैं भी बस अभी अभी आया हूँ। तो ठीक है भैया, फिर मैं चेंज कर आ रहा हूँ फटाफट। चल ठीक है। ओके भैया। ले बेटा गर्मा गर्म खाना खा ले, तेरी पसंद का बनाया है। आओ माँ बैठो आप भी। हाँ। अच्छा वैसे चाचा कहाँ पे है? चाचा होंगे अंदर कहीं। अंदर क्या कर रहे हैं? वो ही उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस और क्या। चलो माँ एक बार मैं मिल के आता हूँ चाचा से। बेटा पहले खाना तो खा ले गरम गरम। अरे माँ खा लूंगा, एक बार मिल आता हूँ ना। ये लड़का भी ना। चाचा नमस्ते। हाँ भाई आ गया। हाँ चाचा जी आप कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता के कमा रहा है? कुछ नहीं बस अभी नौकरी से छुट्टी आया हूँ। अरे के दरा नौकरी में छोड़ देने, अच्छा खासा अपनी फैमिली का बिजनेस सही नहीं संभालता तू? अरे चाचा जी मैं खुश हूँ अपने देश की सेवा करके। तेरे को क्या मिलता है देश की सेवा करके? हाँ कितनी सैलरी है तेरी? अच्छा खासा अपना घर का बिजनेस सही से नहीं संभालता और महीनों घर से दूर रहता है, वो बात अलग है। हाँ तो हम फौजी ना इसलिए घर से दूर रहते हैं ताकि आप लोग खुश रह सको। हम लोग अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए जीते हैं और आप लोगों के लिए ही मरते हैं। तेरा बाबू भी था ना फौज में? हाँ तो मर गया ना बेचारा, क्या मिल गया उसने? पहली बात तो वो मरे नहीं थे, वो शहीद हुए थे। और दूसरी बात हम फौजी ना बॉर्डर पे किसी लालच के लिए नहीं जाते कि हमें वहाँ पे कुछ मिलेगा। बचपन से ना एक ही सपना देखा था कि देश की सेवा करूँगा और वो भी मरते दम तक। अच्छा बेटा एक बात बता, तू कितने दिन की छुट्टी आया है? माँ अभी तो एक महीने की छुट्टी आया हूँ। बहुत अच्छे, एक काम करना जब तक घर पर है खाना पीना अच्छे से करना बेटा। बॉर्डर पे तो पता नहीं तू कब खाता होगा कि नहीं खाता होगा। ठीक है? ठीक है माँ, ध्यान रखूँगा खाने का। और एक बात और, बहू ना बहुत काम करती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, पूरा घर संभाल रखा है। मेरी बहू तो हीरा है हीरा, भगवान सबको ऐसी बहू दे। हाँ तो माँ बढ़िया बात है ना, अब आपको बुढ़ापे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है बेटा, काश तेरे पिताजी जिंदा होते। अच्छा छोड़, एक काम करना जब तक यहाँ पर है ना बहू की मदद जरूर कर दिया कर। ठीक है माँ। और सोना कैसी है? आ गए आप, बड़ी जल्दी आ गए। अरे तू वो सब छोड़ ला, हट, तेरे थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हो, माँ जाएंगी। माँ जाएगी? अरे माँ ने तो बोला है कि बहू बहुत काम करती है घर का, उसकी थोड़ी हेल्प कर दिया कर। अच्छा पानी गर्म करना तो आता नहीं है आपको और खाना बनाओगे? आप टाइम से खाना खा लिया करो, वही बहुत है। यार अब क्या करूँ, तेरे को देखने के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता।
और साहिल कैसे चल रही है पढ़ाई? बस भैया अच्छी चल रही है। क्या सोचा फिर तूने, क्या करना है फ्यूचर में? बस भैया पढ़ लिख के मेहनत करके इंजीनियर बन जाऊँ। चल बढ़िया है, कर मेहनत। लेकिन जो प्राउड फीलिंग आर्मी में है ना, वैसी कहीं नहीं है, किसी काम में नहीं वैसी फीलिंग। ये जो करना चाहता है इसे करने दे, अपने की तरह इसका दिमाग मत भटका। अरे लेकिन चाचा जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? ज्यादा बकवास मत कर, वो तो राज गलत तेरा। अरे इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? अरे थोड़ी देर टीवी देख रहा था। आजा तू भी साथ में बैठना, साथ में थोड़ी देर टीवी देख ले। अरे नहीं बाबा आप देखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है और घर का सारा काम भी करना है। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। हाँ मैं जा रही हूँ सोने, जब आपका हो जाए तो आ जाना सो जाना। ठीक है। वो कश्मीर में फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है और मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट जरूरत है मेरी वहाँ पे। पर आप अभी तो आए थे छुट्टियों पर। एक सोल्जर की ना कभी छुट्टी नहीं होती, और देश को मेरी जरूरत है तो मुझे जाना होगा। पर ऐसे अचानक से? तू मेरा सामान पैक कर दे, मैं एक बार माँ से मिल के आता हूँ। अरे पर... माँ। हाँ बेटा। अरे ये क्या सुबह वर्दी पहन ली? अरे माँ वो कश्मीर में पत्थरबाजों ने फिर से पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी, अब मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट में। तू क्या समझा था, तेरी बूढ़ी माँ घबरा जाएगी, चिंता करेगी, परेशान हो जाएगी? नहीं, तू बेटा जा, अपना फर्ज निभा। जी माँ ठीक है। हाँ और अपना ध्यान जरूर रखना अच्छे से। हाँ माँ रखूंगा। अरे सिब्बू सामान पैक कर दिया सारा? अरे टेंशन क्यों ले रही है, बस एक महीने की तो बात है, आ जाऊंगा टाइम से, उसके बाद हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। नहीं आपको क्या लग रहा है कि आपके जाने का नाम सुन के मैं रोने लग जाऊंगी? मैं आपकी कमजोरी नहीं आपकी हिम्मत बनूंगी। अरे वाह क्या बात है। चलो आप जाने की तैयारी करो, और आप घर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं हूँ यहाँ सब देखूंगी। आज ना तेरे को सल्यूट मारने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है चलता हूँ, ध्यान रखियो अपना। अरे साहिल तू यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया बस। अच्छा सुन तेरे को अपने लिए लैपटॉप चाहिए था ना? हाँ। ये ले मेरा कार्ड रख और लैपटॉप ले लियो अपने लिए। ठीक है? ठीक है भैया। और सुन मुझे अभी जाना होगा कश्मीर, ड्यूटी है मेरी, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, और अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना तो माँ का चाचा का और अपनी भाभी का ख्याल रखियो। ठीक है भैया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे पागल वागल है क्या, ऐसे करेगा तू? ध्यान रखियो अपना, ठीक है, और घर वालों का भी। चल मैं चलता हूँ और बहुत जल्द आ जाऊँगा। ठीक है हाँ मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। आई एम मेजर राहुल कनौजिया स्पीकिंग। मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको, आपके भाई शहीद हो गए हैं। क्या? मम्मी भैया क्या? हेलो हेलो माता जी आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी
देंगे ए वतन तेरे लिए। आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है और एक तरीके से ये कहिए कि ये भी आजादी के दिन से कम बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आज आजादी देने का फैसला कर लिया और इसे आप आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी कह सकते हैं। आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर और भारत एक नए युग में प्रवेश कर। अरे सिब्बू क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों है तू? वो मैंने एक बुरा सपना देखा। बुरा सपना? क्या बुरा सपना देखा? कि आप ड्यूटी पे गए हैं और वहां से आपके और वहां से खबर आई कि अरे तू परेशान क्यों हो रही है, सब ठीक है? वो मैं घबरा गई थी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देख आर्टिकल 370 भी हट गया अब तो कश्मीर से, और अब कश्मीर में सब नॉर्मल है, अब वहाँ शांति रहेगी हमेशा, ना वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है और ना फ्यूचर में कभी होगी। और तू टेंशन मत ले, तुझे तो क्या किसी भी फौजी की पत्नी को ना रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ। आओ हम सब मिलकर एक बार सभी शहीदों को नमन करें और भगवान से दुआ करें कि आने वाला हर दिन भारत के हर घर में खुशहाली लाए। जय हिंद। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो आपको? होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, एक लाइक ज़रूर देना अपनी कंट्री के लिए, अपनी आर्मी के लिए। और गाइस कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और सल्यूट है यार इंडियन आर्मी को, यार हमारे लिए वो बॉर्डर पर दिन रात हमेशा तैनात रहते हैं, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से कर पा रहे हैं। सो गाइस, और थोड़ा हौसला मुझे भी मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बस फैला दो वीडियो को। 15 अगस्त आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और होप करता हूँ कि अपने इंडिया में, अपने भारत में शांति बनी रहेगी और खुशहाली बनी रहेगी। जय हिंद।